हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? उम्मीद है बहुत ही मज़े में होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो एक फैक्ट वीडियो होने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं साकरी तालुके के बारे में। हम इस वीडियो में साकरी तालुका को समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं रोहिदास और आप देख रहे हो एक्सप्लोर गावित यूट्यूब चैनल। साकरी तालुका ये भारत के महाराष्ट्र राज्य का धुले ज़िले का एक तालुका है। क्षेत्रफल की बात हो तो 2410 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। वैसे पहाड़ी क्षेत्र होने से 35 एरिया फॉरेस्ट के खाते में आता है और 65 एरिया रूरल है और ये आदिवासी एरिया है। तालुके में करीब 225 के आसपास गांव हैं, 1,00,000 से ज़्यादा घरें हैं। यहाँ ज़्यादातर आदिवासी लोग रहते हैं, 80% से ज़्यादा आदिवासी लोग रहते हैं और 20% अन्य हैं। पॉपुलेशन की बात करें तो टोटल तालुके की पॉपुलेशन 6,15,000 के आसपास हैं। यहाँ हिंदू 85% हैं और मुस्लिम 10% हैं। इसके अलावा जैन 2% और क्रिश्चन 2% हैं और अन्य 1% हैं। वैसे ऑफिशियल लैंग्वेज मराठी है, लेकिन मोस्टली ज़्यादातर अहिरानी और भीली भाषा में बातचीत होती है। अगर हम तालुके को देखें तो मोस्टली 4 भागों से जाना जाता है। पहला माणमाथा परिसर, दूसरा कोकण परिसर और तीसरा काटवान परिसर और आखिर में चौथा पांझरा कान परिसर से जाना जाता है। दोस्तों, तालुके का अमेजिंग फैक्ट तो ये है कि एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्रोजेक्ट भी स्थापित किया जा रहा है। एशिया का सबसे बड़ा पवन चक्की प्रोजेक्ट भी इसी तालुके में छुजलन कंपनी द्वारा चलाया जा रहा है। और तो और दोस्तों, साकरी तालुका क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे महाराष्ट्र राज्य में दूसरे स्थान पर आता है। पहले स्थान पर महाराष्ट्र राज्य का अमरावती जिले का चिखलदरा तालुका है, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से महाराष्ट्र स्टेट में पहले स्थान पर है। तालुके की इकोनॉमी की बात की जाए तो ये एग्रीकल्चर एरिया है। खेती में यहाँ चावल, बाजरा, ज्वारा, सोयाबीन, इसके अलावा मक्का, कपास और प्याज की खेती भी शामिल है। दोस्तों, ट्रांसपोर्ट में देखा जाए तो सूरत धुले रोड कनेक्टिविटी यानी महाराष्ट्र और गुजरात की कनेक्टिविटी से तालुके को और भी बेहतर बनाती है। दोस्तों, अगर हम साकरी तालुका से गुजरने वाली रोड की बात करें तो ये रोड नेशनल हाईवे 53 का एक हिस्सा है और ये हाईवे उड़ीसा के पैरादीप पोर्ट से गुजरात के हाजिरा पोर्ट तक जाता है। ये हाईवे 4 राज्यों से होकर गुजरता है। साकरी तालुका पश्चिमी घाट से भरा हुआ है। पहाड़ी एरिया होने से यहाँ टूरिस्ट अट्रैक्शन में देखा जाए तो भामेर किला देखने जैसा है और अलालदरी वाटरफॉल का नज़ारा देखने जैसा है। और तो और, यहाँ कन्हैयालाल महाराज मंदिर बहुत ही फेमस है। साथ ही शेंडवड़गढ़ पे ट्रैकिंग कर सकते हैं। इसके अलावा और भी टूरिस्ट प्लेसेस हैं, जैसे अक्कलपाड़ा डैम, धनई पुनई देवी मंदिर छिरनीपाड़ा, गांगेश्वर महादेव मंदिर सामोड़े पिंपलनेर, बलसाना में कानबाई मंदिर और विमलनाथ मंदिर भी है। दोस्तों, एजुकेशनल सेक्टर में देखा जाए तो यहाँ मराठी स्कूल और इंग्लिश मीडियम स्कूल के साथ ही जूनियर कॉलेजेस हैं, जिसमें आर्ट, कॉमर्स, साइंस हैं। इसके अलावा कुछ डिप्लोमा कोर्सेस भी अवेलेबल है। दोस्तों, ये थी साकरी तालुका से रिलेटेड फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन। आई होप ये इन्फॉर्मेशन विद यू आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।